हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, इनके कहा जा रहा है कि विक्की जो है विनोद का पुत्र है, और विनोद और विशाल क्या है दोस्तों, भाई है, तो विक्की विशाल का कौन है। नीचे चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल गए हैं, टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 561 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी SSC CHSL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो वह कौन सी बुक से तैयारी करेंगे, तो चक्षु प्रकाशन का बुक आया दोस्तों मार्केट में, जो काफ़ी डिमांडिंग बुक है और उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन इसमें डाले कि जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए इस बुक में क्या क्या कंटेंट मिलेंगे, जो सिलेबस दिया गया दोस्तों बिल्कुल उसी के अनुरूप इस बुक को निकाला गया, जैसे आपका रीजनिंग से आएगा क्वेश्चन, उसके बाद GK से आएगा, इंग्लिश से आएगा और हम लोगों का गणित से आएगा, तो चार ही सब्जेक्ट से आएंगे और बिल्कुल चारों सब्जेक्ट को इस बुक में कवर किया है। जो भी स्टूडेंट यानी कि SSC CHSL यानी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन का, जो मार्केट में आया हुआ है। यह बुक को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या मार्केट में नज़दीकी दुकान है तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे। बुक में क्या खासियत है, देखिए 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 प्रैक्टिस सेट है, और 9 हम लोगों का सॉल्व पेपर जो पिछले साल में है दोस्तों, उसका आपको विश्लेषण मिल जाएगा, तो ज़रूर इस बुक को परचेज कर लेंगे। देख लीजिए लोगो वगैरह चक्षु प्रकाशन का। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, गर्मी का संबंध लिखा है ठंडा, तो उसी प्रकार से इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर उन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर बताते हैं कि जिस प्रकार से गर्मी का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, ठंडा, एक प्रकार से यहाँ पर क्या दिया हम लोगों के सामने, विपरीत क्रम। क्या लॉजिक लगाया दोस्तों विपरीत क्रम का, तो यहाँ पर जिस प्रकार से गर्मी का ठंडा लिखा है तो उसी प्रकार से कि प्रोत्साहित का लिखा है प्रेरित, तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद बने रहना कायम, तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद स्पर्धा करा कि स्पर्धा सफलता, ये नहीं हो सकता है। तो ध्वंस करना निर्माण, हाँ तो ये एकदम बिल्कुल सही है कि जस्ट उल्टा दिया है, यानी गर्मी और ठंडा यानी एक तरीके से उल्टा दिया है, तो उसी प्रकार से ध्वस्त और निर्माण करना यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, उल्टा, जिसको हम लोग विपरीत क्रम बोलते हैं। एक तरीके से अलग अलग बुक में हमने देखा है, कहीं कहीं बुक में क्या लिखा है दोस्तों, उल्टा क्रम लिखा हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप भी लॉजिक लगा सकते थे, इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे दोस्तों, और ज़रूर कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। हर एक क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, चाहे SSC, रेलवे, बैंकिंग या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर वीडियो को यानी हर एक एग्जाम को कवर कर देगा ये वीडियो। अगर सही विकल्प का चयन करें, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो चलिए एक बार देखिए दोस्तों ट्राई करके। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो उसने क्या किया दोस्तों, लॉजिक को देखेंगे तो एक तरीके से उसने क्या किया है, दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब हम लोगों के सामने लगाया है। तो दर्पण प्रतिबिंब यानी कि इस प्रकार से, यानी देखिए इसका संबंध इस प्रकार से क्या है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध जो होगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। देखिए इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इसी गोला को इधर से जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट बी कर देगा, जो सरासर गलत होगा, देख लीजिए ऊपर में नहीं आएगा बल्कि नीचे में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक शब्द दिया गया और कह रहा कि अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी शब्द वाले कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का इक्वेशन दिया गया, तो इक्वेशन को आप कैसे करेंगे, यानी कि अक्षरों से नहीं बनने वाला, तो कभी कभी बनने वाला देता है, कभी कभी नहीं बनने वाला। तो देखिए आप इसमें खोजेंगे कि कौन कौन लेटर मिल रहा है अल्फ़ाबेट, यानी कौन कौन नहीं मिल रहा है। तो जैसे टी, तो टी इसमें है क्या, हाँ तो टी मिल रहा है।
उसके बाद ई, तो ई है क्या देख लेते हैं, हाँ ई भी है। उसके बाद ए, तो ए है क्या, हाँ ए तो इसी जगह है। एम, तो एम में ही नहीं है, इसमें इस प्रश्न का आंसर ए वाला ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, यानी यहाँ पर जैसे इक्वेशन में देख रहे हैं कहीं हम लोगों के सामने एम तो नजर आए नहीं, यहाँ पर लिख देंगे कि एम का प्रयोग किया है, यहाँ पर नीचे लिख देंगे दोस्तों ताकि समझ में आ जाए कि एम का प्रयोग किया है, जबकि वहाँ पर मूल शब्द जो लिखा है उसमें कहीं हम लोगों का एम नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो लेटेस्ट पैटर्न पर दोस्तों टीसीएस ने कराया है, सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि यदि बीते परसों हम लोगों के सामने क्या है बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। लीजिए आपसे दिया गया यहाँ पर कल है, परसों है, नरसों है, आज है, कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे ऐसे सवाल को करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, देखिए हम लोगों का तीन के बाद क्या हुआ कि चौथा नंबर क्वेश्चन टाइपिंग में नहीं हो पाया तो एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर सीधा पांचवा आ गया, तो नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं हो गया होगा थोड़ा सा, क्योंकि टाइपिंग में हो जाता है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग कर लीजिएगा कि कैवा नंबर क्वेश्चन, तो चौथा छूट के पांचवा आ गया। करें यदि बीते परसों, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आज ये हो गया कल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों परसों, तो यही हो गया हम लोगों का बीता हुआ परसों, तो सीधा सा लिख लीजिए परसों, तो परसों हो गया, ई कल हो गया, और ई क्या आएगा दोस्तों आज हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला दिन क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने आज हो जाएगा, तो आज, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कल, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों परसों। तो यहाँ पर जिक्र क्या है, यदि बीते परसों, तो बीते परसों को हम लोगों का क्या है दोस्तों बृहस्पतिवार, तो यहाँ पर आप छोटा सा लिखेंगे इस जगह पर बृहस्पतिवार, यहाँ पर कर देते हैं, हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। तो ठीक है, अगर हम लोगों के सामने ये बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद आज क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने शनि हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आज शनिवार है तो ये हो जाएगा हम लोगों का रवि, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सोम हो जाएगा। तो यहाँ पर सोम आया, तो सोम कब आ रहा है, उसने कहा कि सोमवार कब आएगा, तो सोमवार देखिए आज, यानी ये हो जाएगा फिर कल, और आगामी ये आने वाला होगा कल, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों परसों, तो ये कब सा, यानी आगामी परसों। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लीजिए, उसने क्या कहा, यदि बीते परसों क्या है दोस्तों बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा, तो सोमवार हम लोगों का परसों का आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, छठा नंबर क्वेश्चन करते हुए चलिए, करें निम्नलिखित चार में से तीन किसी तरीके से क्या है दोस्तों समान है, और एक जो है समूह से बनते हैं, तो वह कौन सा जो समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि चार में से क्या हो जाएगा दोस्तों तीन समान है एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे चार के बाद 27 है, छः के बाद 125 लिखा है, तीन का इस सात का क्या लिखा है 216, और पाँच का क्या लिखा है दोस्तों 63। तो आप कैसे करेंगे, उसने क्या किया, जैसे यहाँ पर चार माइनस क्या कर दिया दोस्तों एक कर दिया, तो चार माइनस एक करके और इसी का क्या कर दिया दोस्तों, यानी कि चार में से एक घटा लेंगे तो हम लोगों के सामने तीन हो जाएगा, और यही तीन का उसने क्या कर दिया दोस्तों क्यूब कर दिया, तो तीन का जैसे ही क्यूब कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला लॉजिक लग गया, दूसरा में लगाएंगे तो उसी प्रकार से ही, देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे तो इस जगह पर हो जाएगा छः माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों एक, तो यहाँ पर हो जाएगा पाँच हो जाएगा, और इसी पाँच का क्यूब कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 125 हो जाएगा। तो देखिए 125 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। उसी पर कहाँ से चलिए थर्ड नंबर को कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे थर्ड नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सात माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा, तो सात माइनस एक जाएगा तो क्या हो जाएगा छः हो जाएगा, तो छः का क्यूब जैसे ही करेंगे तो 200 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब जैसे ही हम लोग चलेंगे किस पे, तो यहाँ पर ये जो है यही वाला हम लोगों के सामने क्या होगा नहीं होगा, जैसे ही आप पाँच का क्या करेंगे दोस्तों पाँच में से एक घटाएंगे ना, देखिए पाँच में से आपको क्या करना है एक घटाकर उसका क्यूब करना है, तो ये पाँच माइनस कर देंगे एक, तो ठीक है इसमें घटाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या आएगा चार आएगा, और चार का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 64 आएगा, लेकिन उसने क्या दिया यहाँ पर 63 दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या,
देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हम लोगों का एक प्रश्न छूट रहा था चौथा नंबर, तो उसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर, तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन छूट रहा था तो वो पीछे में टाइपिंग हो गया था, इसके लिए माफी, लेकिन इसको पहले ही कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे उधर। कहा जा रहा है कि देखिए विक्की जो है दोस्तों विनोद का, देखिए क्वेश्चन इधर उधर हो से मतलब ना आपको, बल्कि क्वेश्चन को करना है कि क्या आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। नंबरिंग में देखिए कभी चार में तीन में हो जाता है तो उससे कोई माथी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों विक्की जो है विनोद का पुत्र है, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने विक्की हो गया, तो विक्की क्या हो जाएगा, ये विनोद का पुत्र हो जाएगा, तो इस जगह पर हो जाएगा विनोद। तो विनोद का क्या है दोस्तों, पुत्र है। उसके बाद कह रहा है विनोद और विशाल क्या है दोस्तों, भाई, तो विनोद और इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने विशाल, ये दोनों क्या है दोस्तों, भाई है। तो कहा जा रहा है विक्की विशाल का कौन है, यानी विक्की जो है दोस्तों ये विशाल का कौन लगेगा, तो विशाल का अगर देखा जाए तो ये कौन लगेगा दोस्तों, भतीजा लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि विक्की विनोद का पुत्र है, उसके बाद ये दोनों क्या भाई है, यानी पुरुष जेंडर के लिए आप प्लस लगा सकते हैं, महिला जेंडर के लिए क्या लगा सकते हैं दोस्तों, माइनस लगा सकते हैं। तो फिर कह रहा है कि विक्की जो है विशाल का कौन है, तो विक्की विशाल का कौन हो जाएगा, तो भतीजा हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं जो नंबर क्वेश्चन पे थे, तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया था, चलिए अब इसको करके दिखाइए सातवां नंबर, क्योंकि चौथा छूट रहा था तो उसको पहले ही ले लिए। कहा जा रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि एक घड़ी में दोस्तों घंटे की सुई जो है 12:30 यानी उत्तर दिशा की ओर कर रहा, और मिनट की सुई क्या कर रहा है दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रहा है। तो हम लोगों का क्या कर रहा है कि 1:45 सुई की किस दिशा की ओर इंगित करेगा, यानी घंटे वाला सुई जो है वह किस दिशा में इंगित करेगा। तो चलिए कर देते हैं, देखिए सीधा सा अगर यहाँ पर सवाल को देखें ना, तो एक घड़ी बना लेते हैं दोस्तों इस जगह पर, और एक फिर इस जगह पर घड़ी बना लेंगे, जो समय दिया गया उसके अनुसार चलेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस प्रकार ज़्यादा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मेन हो जाएगा हम लोगों का ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने, अच्छा अच्छा यहाँ पर हाँ 12:3, और यहाँ पर 9, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा, इस जगह पर 6 हो जाएगा। तो उसने कहा कि 12:30 बजा है, तो 12:30 बजा है यानी कि क्या होगा, तो इस तरीके से बजा होगा हम लोगों का जो बजेगा 12:30, तो यहाँ से इस प्रकार से होगा, और एक सुई क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर होगा, तो यही हम लोगों का क्या होगा 12:30 बजेगा, यानी कि इस जगह से कर देते हैं इस जगह पर, हाँ यही क्या हो जाएगा 12:30 बजेगा। तो 12:30 बज रहा, तो उसने ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पर ये भी बात क्लियर होगा कि हम लोगों के सामने ऊपर में उत्तर होता है और नीचे क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है, और ई साइड में आपका पूर्व होगा, इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा दोस्तों पश्चिम। इंडिकेट करके भी बता दिए कि ये हो गया हम लोगों के सामने पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या हो गया दोस्तों दक्षिण। तो उसने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो 12:30 बज रहा ना, तो उत्तर दिशा की ओर यानी कि हम लोगों का कौन सा, तो 12:30 बजे में हम लोगों का घंटे की सुई कह रहा है कि वह उत्तर दिशा की ओर, और मिनट की सुई क्या है दोस्तों दक्षिण की ओर। तो ठीक है, यानी एक तरीके से उसने क्या लिया है कि 12:30 जो बजा है तो मिनट की सुई को क्या कर रहा है उत्तर दिशा की ओर, तो सही कह रहा है कि उत्तर, यानी थोड़ा सा उसने नीचे किया है, लगभग क्या किया दोस्तों 45 डिग्री उसने लगभग इधर किया है, लेकिन 12:30 बज रहा है तो उत्तर दिशा की ओर इसको लिया है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग 1 बजाएंगे तो इस घड़ी में क्या करेंगे दोस्तों 1 बजाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इस जगह पर 12, और इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3, और इस जगह पर हो जाएगा 6, और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो उसी प्रकार से 1 बजे, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने इस जगह पर क्या बजेगा दोस्तों 1 बजेगा, तो ठीक है हमने यहाँ पर 1 बजा दिया, इस जगह पर क्या बजा देंगे दोस्तों 1 बजा देंगे, तो ई हो गया हम लोगों के सामने 1 बज गया। तो 1:45 ले रहा है, तो 1:45 कैसे होगा, यानी यहां से इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए इधर से जाएगा और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से होगा। तो यहां पर 1 बज रहा है, तो 1:45 हुआ है, तो उसने कहा कि घंटे की सुई, तो घंटे की सुई किस ओर हो जाएगा, तो घंटे की सुई हो जाएगा हम लोगों के इसी बीच में आ रहा है, यानी उत्तर और क्या हो जाएगा दोस्तों पूर्व की ओर, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ये वाला जो सुई होगा तो ये हम लोगों का इसी दिशा में आ रहा था, ये वाला दिशा जो होगा ना उत्तर पूर्व दिशा की ओर होगा, अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ सर उत्तर पूर्व क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जब दिशा बनाएंगे ना तो इसी प्रकार से दिशा बनेगा, इस प्रकार से होगा, तो देखिए घंटे वाला सुई किधर जा रहा है, तो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है सुबह हम लोगों का सूर्य की ओर मुंह करके चलना शुरू किया, तो अभी आपको बताएं कि सूरज हम लोगों का किधर उगता है, तो पूर्व में उगता है, और पूर्व आपको कौन साइड में लेना है, तो ये हम लोगों का हमेशा लिख भी देते हैं कि ये हमेशा पूर्व रहेगा, और अपोजिट में आपको क्या लेना है, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, और जस्ट ऊपर में आपको लेना है क्या दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे इसका क्या होता है, दक्षिण होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि ये पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। तो अब जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे क्या कर दीजिए दोस्तों, चल दीजिए। करें एक व्यक्ति सुबह सूर्य की ओर चलता है, तो सूर्य की ओर इस साइड में चलेगा, उसके बाद वो क्या कर रहा है दोस्तों, थोड़ी देर के बाद बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक चला तो इधर हो जाएगा दाएं, यानी बाईं ओर मुड़ता है, तो बाएं किधर हो जाएगा, इस साइड मुड़ा, ठीक है। इस यहाँ पर बोला है कि कुछ थोड़ी देर के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, देखिए फिर से क्या कर रहा है दोस्तों, इधर मुड़ रहा है तो बाईं ओर, यहाँ कर रहा है कि अपनी फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगा, यानी आखिरी में जो ये है, तो ये वाला दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा हो जाएगा, क्योंकि शुरू किया था इस जगह से उसका शुरू है, तो शुरू बिंदु तो हम लोगों का पूर्व से किया था, तो आखिरी बिंदु वही कर रहा है कि वह बिंदु, वह जो है व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, यानी वर्तमान स्थिति पूछा जा रहा है, तो पश्चिम दिशा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है नौवां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, कथन और क्या है दोस्तों, तर्क वाला। तो देखिए कथन तर्क को कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने कथन है और नीचे क्या है दोस्तों, तर्क है, और यहाँ पर आपको लगाना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा इन दोनों में सही होगा। तो कह रहा है कि संदीप को क्या दोस्तों, इंजीनियरिंग में कोई दिलचस्प नहीं है, लेकिन उसके माता पिता, यहाँ पर क्या कह रहा है कि माता पिता चाहते हैं कि वह इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम करे और उसे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तो ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है कि मम्मी पापा उसका करवा रहे हैं लेकिन वो नहीं चाह रहा है। कहा गया है कि संदीप को इंजीनियरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम करे और उसे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। अब तर्क दिया, हाँ आजकल सिर्फ, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, आजकल सिर्फ जो है इंजीनियरिंग ही ज़्यादा कमाते हैं, तो ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं क्योंकि कमाने से रिलेटेड वहाँ पर नहीं है, लेकिन तर्क में कह रहा है कि हाँ आजकल सिर्फ इंजीनियरिंग ही कमाते हैं, तो ये बात गलत होगा। कह रहा है कि नहीं, व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनना चाहिए था, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। दूसरा वाला तर्क हम लोगों का निकाला जा सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बात का मेंशन है कि संदीप को इंजीनियरिंग में कोई दिलचस्प नहीं है, तो इसका अर्थ उसको दिलचस्पी नहीं है, और कह रहा है कि लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार क्या करना चाहिए, करियर चुनना, तो तर्क क्या हो जाएगा, तो दो क्या होगा, मजबूत होगा, तो इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी तर्क हम लोगों का केवल दो क्या है दोस्तों, प्रबल है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने दसवां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, ट्रेंगल काउंटिंग से। तो चलिए देखिए ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हो जाएगा। तो पहले सिंगल सिंगल त्रिभुज को काउंट करते हैं, देखिए एक त्रिभुज यहाँ होगा, फिर ये हो जाएगा दूसरा त्रिभुज, और एक त्रिभुज यहाँ से भी इसको ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, यानी कि तीन त्रिभुज यहाँ से पूरा देते हैं, देखिए इधर से जाएगा और फिर यहाँ से आएगा दोस्तों, ई क्या हो जाएगा हम लोगों का, तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। तो तीन त्रिभुज तो इसमें बन गया, इसमें कोई दोराय करने वाली बात नहीं है, ठीक है, तीन त्रिभुज हो गया क्योंकि एक एक दो और उसको लिए तीन। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ई हो जाएगा एक त्रिभुज और एक ई हो जाएगा दूसरा त्रिभुज, और यहाँ से जब इसको मिला देंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा त्रिभुज। तो तीन तीन छः हो गया, छः के बाद अब देखिएगा फिर कहाँ लेंगे, तो छः के बाद देखिए एक ई हो जाएगा सातवां त्रिभुज, सात के बाद देखिएगा दोस्तों ये हो गया तीन तीन छः एक सात, तो सात के बाद अगर यहाँ से ले लें इसको ले लें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने इस प्रकार से, ये हो जाएगा आठवां त्रिभुज, ठीक है। आठ त्रिभुज तक तो हम लोग अभी आ चुके हैं, तो आठ के बाद देखिए अब क्या, आठ तो है ये नहीं आ, तो आठ के बाद देखिए अब कैसे होगा, कैसे कैसे होगा, तो आठ के बाद देखिए अब यहाँ से एक बनेगा दोस्तों त्रिभुज, आठ के बाद देखिए हम लोगों के सामने आठ त्रिभुज ले लिया, आठ के बाद एक त्रिभुज यहाँ से ले लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, नवा त्रिभुज हो जाएगा, इधर यहाँ से लेंगे तो ई हो जाएगा नवा त्रिभुज, यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ई क्या हो जाएगा, नवा त्रिभुज। उसके बाद हम लोगों के सामने देखा जाए दोस्तों तो एक त्रिभुज यहाँ से लेंगे, इधर किससे लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का दसवां त्रिभुज, इधर यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, दसवां त्रिभुज आ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, दसवां त्रिभुज हो जाएगा। तो 10 के बाद देखिए फिर हम लोगों के सामने यहाँ से करेंगे, ये देखिए 10 के बाद हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों,
एक यहाँ से आएगा, देखिए इसको लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्यारहवां त्रिभुज कौन सा होगा, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ग्यारह होगा। ग्यारह के बाद देखिए फिर हम लोग किसको लेंगे, तो ग्यारह के बाद एक त्रिभुज यहाँ से लेना होगा दोस्तों, इस जगह से, यानी कि कौन सा, देखिए एक त्रिभुज यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बारह हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत सारा प्रश्न नहीं समझ पाए होंगे, तो देखिए जो जो नहीं समझ पाए थे एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा त्रिभुज, और यहाँ से लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों का तीसरा त्रिभुज, तो तीन त्रिभुज हो गया। उसी प्रकार से देखिए एक त्रिभुज ये हो जाएगा और ये हो जाएगा दूसरा त्रिभुज, और यहाँ से जब इसको मिलाएंगे दोस्तों इस प्रकार से, इसमें क्या हो जाएगा तीन त्रिभुज, तीन तीन छः हो गया। छ के बाद अब देखिए किस पे बात करेंगे दोस्तों, ई हो जाएगा सातवां त्रिभुज ये वाला, और यहाँ से जब मिलाएंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का आठवां त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ से जब इसको मिला देंगे तो आठवां त्रिभुज हो गया। आठवां के बाद गौर कीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, यहाँ से जब इसको काउंट करेंगे ना, देखिए ये वाला त्रिभुज, तो ये क्या हो जाएगा, नौवां त्रिभुज हो जाएगा। देखिए किसको ले रहे हैं, नौवां किसको हमने कहा, तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नौवां त्रिभुज हो जाएगा। ये नौ हो गया। नौ के बाद अब देखिएगा फिर कहाँ बन रहा है, तो नौ के बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से लेंगे ना तो ये हो जाएगा हम लोगों का दसवां हो जाएगा। देखिए हम कैसे करते जा रहे हैं वो देखिए, ये हो जाएगा दसवां। दसवां के बाद फिर से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ग्यारहवां त्रिभुज यहाँ से जब इसको बड़ा वाला लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्यारह त्रिभुज हो जाएगा। देखिए यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, ग्यारह। और 11 के बाद देखिए एक त्रिभुज कौन सा हम लोगों का छूट रहा है, तो ये वाला जब त्रिभुज आपका क्या हो रहा है, छूट रहा है, यानी यहाँ से देखिए एक त्रिभुज इस जगह पर दोस्तों, इस जगह पर जो हम लोगों के सामने ये वाला, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 12। इसमें क्या हो जाएगा, टोटल 12 त्रिभुज होगा। आप अच्छे से काउंट कर सकते हैं। देखिए हमने एक बात क्लियर कर दिया कि ये वाला त्रिभुज को आपको लेना, यही आपसे छूटेगा, और एक त्रिभुज आप यहाँ से देखिए ये सब त्रिभुज को, मेन मेन जो त्रिभुज छूट रहा था उसको काउंट कीजिए, ये त्रिभुज छूट रहा था, उसी प्रकार से आपका ये त्रिभुज आप छोड़ देंगे। कौन कौन जो छोड़ सकता है स्टूडेंट, इसीलिए हम गौर कर दिए। यहाँ से देखिए एक त्रिभुज यहाँ से आप ई छोड़ सकते हैं इस तरीके से, तो ये सब त्रिभुज को आप काउंट करेंगे ना तो आपका बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। ऐसे तो आप सिंगल सिंगल काउंट कीजिएगा, लेकिन जिस पे हमने हिट किया उसको उसको आप लीजिएगा, तो देखिए आपका 12 जरूर पूर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, तो आपस में बदलने के लिए कौन सा लेना होगा, तो पहला ऑप्शन उठाइए, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। हमने क्या कहा है दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कहाँ से चेक करना रहता है, पीछे से, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो पीछे से, तो ऑप्शन नंबर डी को उठा लीजिए और चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं, इसी जगह पर कर देते हैं, देखिए यहाँ पर करेंगे, यानी जहाँ कहीं भाग दिखेगा तो उसके जगह पर, तो भाग के जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों, गुना करना है, और गुना के जगह क्या कर देना है दोस्तों, भाग कर देना है। तो इस तरीके से चिन्हों को क्या करना है, परिवर्तित करना है, यानी एक दूसरे चिन्ह को परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60, और गुना के जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग 4 प्लस 9, और जहाँ भाग है वहाँ पर गुना कर देंगे माइनस 3, और क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो यही करना है ना, तो भाग के जगह पर गुना करना है, और गुना के जगह पर क्या कर देना है, भाग कर देना है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, 34 आ रहा है कि नहीं आ रहा देखते हैं। तो 60 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 15, कितना आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा ई करने के बाद 15 हो जाएगा, और प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 9, या क्या हो जाएगा 27, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, तो जैसे ही 27 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 करी 2 हासिल रहा है, 1 2 1 3 1 4, तो 42 हो जाएगा। 42 में जैसे ही आप 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 34 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कहाँ से लेना है, पीछे से लेना है, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या हुआ, पीछे वाला आंसर हुआ है, नहीं तो हो सकता है कि किसी किसी में आ जाता है सी भी आ सकता है बी भी, लेकिन ज़्यादातर केस में डी हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर कर देते हैं, कहा जा रहा है कि नेटवर्क शब्द के आप प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, लिख कर करने में ठीक रहेगा, वरना क्या हो सकता है, गलती हो सकता है। एन उसके बाद हो जाएगा ई, उसके बाद हो जाएगा टी, डब्ल्यू ओ, उसके बाद हो जाएगा आर और के। तो जो दिया गया उसको क्या करना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में करना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले क्या आएगा, ई आएगा, तो ठीक है ई को ले लिए, ई को ले लिया तो ई को इंडिकेट कर दीजिए। ई के बाद हो जाएगा कौन, तो ई के बाद हो जाएगा
के हो जाएगा तो के को इंडिकेट कर दीजिए, के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एन हो जाएगा तो एन को इंडिकेट कर दीजिए, फिर हम लोगों के सामने ओ हो जाएगा तो ओ को इंडिकेट कर दिए, ओ के बाद हो जाएगा कौन हो जाएगा तो आर हो जाएगा तो आर को इंडिकेट कर दिए, फिर हो जाएगा टी हो जाएगा तो टी को इंडिकेट कर दिए, फिर हो जाएगा डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू। हमेशा आपको ऐसे ही करना, कॉपी में वरना क्या होगा नहीं तो छूट सकता। अब उसने क्या कहा है यहाँ तक तो ले लिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में कर दिया। अब हम इसको क्या कर देंगे यहाँ ऊपर में जो इंडिकेट वगैरह ये सब किया, क्योंकि वहाँ पर तो हमको क्वेश्चन पढ़ना होगा ना, तो क्वेश्चन पढ़ना होगा तो उस तरीके से चलेंगे। इसको क्या कर दिया इधर से हटा दिया। अब उसने कहा कि अक्षर के दाएं से क्या दोस्तों देखिए यहाँ से दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला बाएं से चौथा, तो बाएं से अगर चौथा पर देखा जाए तो इधर होता है हम लोगों के सामने दायां, ई साइड में क्या होता है दोस्तों दायां, और ई साइड में आपका क्या होता है बायां होता है। तो दायां से अगर चौथा देखा जाए तो एक दो तीन चार ये हो जाएगा हम लोगों का, और फिर कहा जा रहा है कि अच्छा अच्छा रुक जाइए बाएं से चौथा, हाँ तो एक दो तीन चार बाएं से हो गया, और फिर दाएं से क्या दोस्तों दूसरा, तो दाएं से दूसरा ये हो गया, यानी कि ये दोनों यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो यही दोनों कह रहा है कि इसके बीच में कितने अक्षर आएंगे, तो इसके बीच में देखिए ओ से लेकर अगर आप टी के बीच में देखेंगे दोस्तों तो ओ के बाद हो जाएगा पी हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा और एस हो जाएगा, तो कितना आया इसके बीच में, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों चार आया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, रटेंगे तो फिर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षरों का चयन करें, विषम का मतलब चार में से तीन समान दोस्तों एक अलग है, तो कौन सा अलग है वो बात आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ से अगर देखें ना जेड से क्या आ रहे हैं दोस्तों एक्स पे आ रहे हैं, तो जेड से यदि एक्स पे आएंगे तो उसने क्या किया तो दो लेटर का कमी किया, ठीक है, और एक्स से वाई पे चलेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों वन कर दिया है, और इससे चलेंगे तो फिर हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों माइनस दो किया। उसी प्रकार से ओ से एम पे आएंगे तो यहाँ पर माइनस दो, फिर हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों प्लस वन, और यहाँ से चलेंगे तो माइनस क्या किया दो किया। देखिए ना इसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ सर इसी तरीके से तो चला है ए बी सी डी में। उसी प्रकार से इस पे कर देते हैं, देखिए एस से यदि क्यू पे आएंगे तो माइनस दो, ठीक है, इससे चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस वन, और यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें भी माइनस दो किया है। तो उसी प्रकार से इसमें देखेंगे, देखिए एफ के बाद ई कर रहा है, एफ से यदि आप ई पे चलेंगे, एफ से क्या कर रहा है दोस्तों ई पे जा रहे हैं, तो एप से यदि ई पे चलेंगे तो यहाँ पर उसने माइनस वन किया है, ई से डी पे जाएंगे तो माइनस वन, और इससे जाएंगे तो क्या किया दोस्तों माइनस वन। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना तो इसमें कुछ अलग ही हो रहा है, इस तरीके से क्या किया है सब में क्या कर दिया दोस्तों माइनस वन कर दिया है। तो इसी वजह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों डी वाला क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। देखिए ना इसमें कुछ अलग क्या, बाकी सभी में क्या क्या है प्लस टू फिर माइनस हम लोगों के सामने ये प्लस वन और माइनस टू, लेकिन इसमें माइनस वन क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला दिया एक सीरीज दिया गया, तो चलिए कर देते हैं श्रृंखला को पूरा करना है। तो तीन है, नौ है, फिर हम लोगों के सामने 27 है, फिर क्या लिखा है दोस्तों 81 और आगे है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तीन से यदि नौ पे जाएंगे तो गुना तीन, नौ से इस पे जाएंगे तो गुना तीन, 27 से इस पे चलेंगे तो गुना तीन, और 81 में गुना तीन कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 243 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, सारे प्रश्न को एकदम ट्राई करते हुए चलना है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन, कुछ टिकट क्या है हम लोगों के सामने, घड़ी है, उसके बाद फिर क्या लिखा है कि सभी बटन क्या है दोस्तों टिकट है, अच्छा अच्छा तो सभी बटन यहाँ से देखिए कितना अच्छा हुआ कि दूसरा वाला भी पढ़ लिए तो मिल गया हमको सभी बटन, तो इस जगह पर लिख देंगे दोस्तों सभी बटन, यहाँ पर हो जाएगा सभी क्या हो जाएगा दोस्तों बटन, तो इस जगह पर हो जाएगा सभी बटन हम लोगों के सामने क्या है टिकट है। उसने कहा है कि सभी बटन टिकट है, तो यहाँ पर हमने कर दिया टिकट, सभी बटन क्या हो गया टिकट हो गया। कुछ टिकट क्या हम लोगों का घड़ी है, तो घड़ी यहाँ पर लिख देते हैं यानी कि घड़ियाँ, तो कुछ टिकट क्या हो जाएंगे दोस्तों घड़ियाँ हो जाएंगे, तो कुछ टिकट टिकट का हिस्सा कुछ क्या कर देंगे घड़ी, और कोई भी मोहर जो है घड़ियाँ नहीं है यानी कि मोहर, तो मोहर को इस जगह पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों मोहर इधर लिख दिए, कोई भी मोहर किस में नहीं लगा है उस पर गौर करना है, तो घड़ी में नहीं लगा है, यहाँ पर घड़ी वाला हिस्सा में ले जाकर क्या करेंगे दोस्तों क्रॉस वाला चिन्ह ऐसे लगा देते हैं कि घड़ी नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष,
कह रहा है कि कोई भी टिकट जो है मोहर नहीं है, तो कोई भी टिकट जो है हम लोगों का क्या दिखा है दोस्तों, कोई भी टिकट जो है मोहर नहीं, तो कोई भी टिकट मोहर नहीं, ये बात हम कैसे कह सकते हैं। टिकट का हिस्सा तो हम लोगों का ये वाला हिस्सा मोहर में जा सकता है, मोहर टिकट में आ सकता है, टिकट मोहर में जा सकता है, इसमें क्लियर नहीं कहा जा सकता है। देखिए इसीलिए गलती होता है क्योंकि मोहर का हिस्सा इस तरीके से अगर गोला को बढ़ा के ले लिया जाए तो टिकट में जा सकता है और मोहर वाला हिस्सा इसमें भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाएंगे कि टिकट मोहर है कि नहीं, हो भी सकता है और नहीं वो कह रहे हैं नहीं है। अब मेरे अनुसार करेंगे तो ये वाला अगर हम डायग्राम को बड़ा जैसा इस प्रकार से ले लेंगे ना तो ये वाला से हो जाएगा, तो हो जाएगा तब तो फिर कह रहा है वो नहीं, तो मेरे से हो रहा है तो क्या हो जाएगा इन दोनों कंडीशन में, तो इसी नहीं लिखा है तो वहाँ पर हम लोग गलत कर देते हैं। फिर कह रहा है कि कुछ बटन जो है घड़ियां है, तो कुछ बटन जो है दोस्तों ये देखो बटन यहाँ पर है, उसके बाद घड़ी यहाँ पर है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर इसका वाला हिस्सा अगर मान के चले कि घड़ी का हिस्सा इस पे चल जाए तब तो हो जाएगा कुछ घड़ियां बटन, कुछ बटन घड़ियां हो जाएगा, तो ये भी बात हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये है कि नहीं है। तो दोनों हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर डी वाला बी वाला सही होगा, ना तो निष्कर्ष एक ना तो दो अनुसरण कर रहा है। बहुत कम स्टूडेंट से सही हो पाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए आराम से सोच समझ कर कीजिए वरना गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया गया, तो चलिए देख लीजिए एक झलक में कोडिंग डिकोडिंग को कर देते हैं चाहे कितना हार्ड रहे। यहाँ पर जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से देखिए इस बीच वाला को चेक कर भी नहीं करेंगे, क्योंकि बीच वाला इसीलिए देता है ताकि समय को बर्बादी करे। हम क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट, बस कभी भी अगर कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा फर्स्ट वाला चेक कीजिए किस तरीके से दिया है और जिसका पूछा जा रहा है उसका निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए जैसे लिखा है सी, उसके बाद हो जाएगा एच, फिर लिखा है ए एस और क्या है दोस्तों ई है, तो इसका संबंध लिखा हम लोगों के सामने आई, उसके बाद हो जाएगा क्यू, फिर लिखा हम लोगों के सामने जी और बी और क्या लिखा है दोस्तों के लिखा है, तो ठीक है इसको लिख दिए। अब जिसका निकाल हमने क्या किया फर्स्ट और लास्ट, इसका और इसका बीच वाला हम चेक कर भी नहीं करेंगे क्योंकि वही समय को क्या करता है बर्बाद कर देता है। ए एन उसके बाद सी उसके बाद आई और ई और फिर क्या लिखा है एन और टी, तो चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगाने से होगा। अब सी से आई पे चलेंगे कितना जोड़ा है आई, इससे चलेंगे ए से जी पे, देखिए सब में कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या क्या होगा वृद्धि क्या होगा कमी क्या होगा इस तरीके से, तो चलिए कर देते हैं बस ए को करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर समझिए। सी से आई पे चलेंगे तो उसने क्या क्या है दोस्तों प्लस छः, किसमें ए बी सी डी में, अगर यहाँ से देखा जाए तो उसने क्या किया दोस्तों प्लस नौ किया है, इस पर देखेंगे तो प्लस क्या क्या उसने नौ किया है, उसी प्रकार से ए से यदि जी पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों छः किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस क्या किया है नौ किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस क्या किया छः, तो कहानी समझ में आ गया होगा कि प्लस छः और प्लस क्या दोस्तों नौ, उसी प्रकार से प्लस छः और प्लस क्या दोस्तों नौ, उसी प्रकार से प्लस छः और प्लस क्या दोस्तों नौ, तो बस यही रवैया रचना और क्या। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने जी, उसके बाद देखिए एन में क्या करेंगे दोस्तों नौ लेटर, तो ए बी सी डी में जोड़ना है तो चौदह छः बीस और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी देखिए ना इधर हो जाएगा छः दे दिया हाँ, तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, सी में छः लेटर जोड़ देंगे तो छः और तीन क्या हो जाएगा दोस्तों नौ हो जाएगा, तो नौ होता आएगा तो यहाँ पर आई, तो देखिए सब ऑप्शन कितना क्लोज में रख दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आर, उसके बाद इस जगह पर हो जाएगा के, ठीक है इधर अब अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा के एन में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों नौ लेटर लेंगे, तो एन में नौ लेटर लेंगे तो फिर डब्ल्यू हो जाएगा और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों जेड हो जाएगा, तो देखिए कहाँ मिल रहा है किस ऑप्शन में मिल रहा है जी उसके बाद डब्ल्यू आई आर उसके बाद जी डब्ल्यू आई आर के, तो के बाद क्या आना चाहिए तो जी डब्ल्यू आई आर, तो देखिए जी डब्ल्यू आई उसके बाद आर के डब्ल्यू जेड, ऑप्शन नंबर सी को देखिए हूबहू मिल गया कि जी डब्ल्यू आई, तो जी डब्ल्यू आई उसके बाद आर के डब्ल्यू जेड, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों थैंक यू।